हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम आपको नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉमनक्लेचर होता है, उसके दो मेथड होते हैं, कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा होता है आयुपैक सिस्टम, जिसको हम आयुपीएसी सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम कॉमन नेम सिस्टम बताएंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का कॉमन नेम सिस्टम क्या है? कॉमन नेम सिस्टम एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी पे रखे जाते हैं, और सम कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी आपके कॉमन नेम याद करने होंगे। जैसे हम कॉमन नेम में पहले एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड का कॉमन नेम अगर हम करें तो इसमें एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल जैसे ले CHO, दूसरा कंपाउंड ले CH3CHO, तीसरा कंपाउंड ले CH3CH2CH2 या CHO, चौथा कंपाउंड ले CH3CH2CH2CHO और पांचवा एक एग्जांपल और ले ले, रिंग कंपाउंड ये बेंजीन है और उससे जुड़ा हो CHO। तो कॉमन नेम के बारे में पहले हम जानेंगे। जनरली ये पांच कॉमन नेम आप लोग को आना चाहिए। पहला जो हो गया, ये जो एल्डिहाइड है उसकी वैलेंसी फ्री है, केवल हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है। और एक चीज और ध्यान दोगे, एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने के कारण जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताया आप लोग को। तो ये पहले वाले का नाम जो है फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरे का जो नाम है वो एसीटल डिहाइड है, तीसरे का जो नाम है प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड, चौथे का जो नाम है ब्यूटरल डिहाइड, सब कॉमन नेम है। और ये जो पांचवा है उसका नाम है बेंजल डिहाइड, बेंजल डीहाइड, इसका एक और नाम लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन कार्बल डीहाइड। तो बेंजीन कार्बल डीहाइड भी है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेंजल डीहाइड और बेंजीन कार्बल डीहाइड ये दोनों के दोनों आईयूपीएसी में भी यूज किए जाते हैं। होता क्या है कि जब एल्डिहाइड में जो CHO है वो चेन से बाहर हो और उसकी काउंटिंग चेन में ना हो, तो उसके लिए हम कार्बन डिहाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक में बताया कि अगर कार्बोक्सिलिक समूह चेन में है तो उसके लिए OH का प्रयोग करेंगे, और चेन से बाहर है तो कार्बोक्सिलिक का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम फिर क्लियर कर दें, CH3COOH, तो इसका नाम है दो कार्बन, तो एथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक चेन में है। लेकिन इसकी बात करते हैं CH2COOH, 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 तो 1 2 3, अब ये देख रहे हैं तीनों कार्बोक्सिलिक चेन के बाहर है, तो इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक का ही प्रयोग करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड में भी आपको दो तरह की वैल्यू होती है, वो हम आईपीएसी नेम में क्लियर कराएंगे। तो ये वैल्यू आपने क्लियर कर लिया, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड, ब्यूटरल डिहाइड, और वो है बेंजल डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेंजल डिहाइड या इसका एक और नाम है बेंजीन कार्बन डिहाइड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजल डिहाइड में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए तो ये आपका सैलिसल डिहाइड हो जाएगा। तो ये सैलिसल डिहाइड होगा, फिलहाल आपको तो बेंजल डिहाइड ही करना है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक से लेके जो 4 एग्जांपल हैं ये सब एलिफैटिक एल्डिहाइड है, और ये चूंकि बेंजीन है इसलिए इसको कहेंगे एरोमेटिक। और जो हमने कॉमन सूत्र बताया था CN H2N2O, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है
उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सामान्य सूत्र Cl H2n into O, लेकिन यह केवल एलिफैटिक पर ही लागू होगा, एरोमेटिक में नहीं। एलिफैटिक के लिए जैसे एक कार्बन के लिए होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, इसमें n का मान 2 होगा तो एसीटल्डिहाइड, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनल्डिहाइड, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटरल्डिहाइड। ये फार्मूला एरोमेटिक पे लागू नहीं होगा। तो जब हम एरोमेटिक आप लोग को एल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो उसमें वो कॉन्सेप्ट बता देंगे। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या इसके इंसर्ट ले लीजिए।